रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पर शेख सद्दाम हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जो उनकी क़ियादत में आज एक बहुत बड़ा जुलूस जो हज़ारों की तादाद में था, आज सुलेमान नगर से शुरू होते हुए डिवीजन ऑफिस पे ख़त्म हुआ, जिसमें आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और कई नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज अब आने वाले इंतखाबात में जो TRS का सिक्का जमने का हैदराबाद में, सुलेमान नगर की नशिस्त भी इंशाल्लाह ताला TRS हासिल करने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज ये नौजवानों का जुलूस और नौजवानों का जो जज्बा देखकर मुझे खुशी होती है। खासकर मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के सदर जनाब तौफीक अली साहब को, जनाब शेख मतीन साहब डायनामिक लीडर है यहाँ के, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, जो उनकी क़ियादत में दिन ब दिन TRS पार्टियाँ मजबूत होते जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा फैसला जनाब MLA प्रकाश गौड़ साहब का अच्छा फैसला है, क्योंकि इन लोगों के हाथ में यहाँ की बागडोर जो संभालने के लिए दिए हैं। आज मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मेरा 20 साल दौर में मैंने देखा है ऐसा जुलूस कभी मैंने नहीं देखा। आज नौजवानों के चेहरों पे खुशी का इजहार था, अपने दिल से बढ़ चढ़ कर तकरीबन ये जुलूस 8-10 से घंटे चलता रहा, आज इख्तिताम का यहाँ पर पहुँचा। और मुबारकबाद यहाँ के लोगों को, ये जो यहाँ पर एहतमाम किए, शेख सद्दाम साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्साने वाले जो यहाँ के और भी नौजवान हैं, रिजवान भाई उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, शाकिर भाई और जो भी मेरे बाबा भाई, इन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जहीर भाई और मेरे अमीर भाई तमाम, क्योंकि उन्होंने ये आज जो हमारे जब से TRS जमात में शामिल हुए एक बड़े जुलूस की क़ियादत में यहाँ पर मजबूत MLA साहब को यहाँ पर आने के लिए मदद किया, भारी अक्सरियत से उन्होंने भी इंतखाबात में जब भी होंगे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो टिकट है कारपोरेटर का शेख मतीन साहब को दिया जाए, तो इंशाल्लाह ताला जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। तो यहाँ का जोश और जज्बा देख रहा हूँ लोगों का, 2021 के जो भी इलेक्शन होंगे कारपोरेटर के, यहाँ पर अल्लाह ताला की इससे दुआ है कि यह TRS अपना परचम लहराएगी। मैं सबसे दुआ करता हूँ यही जज्बा यही जो इतिहाद तमाम लोग बरकरार रखें। मुझे जो मौका दिए हैं यहाँ के जो साहिबीन, हमारे तौफीक भाई साहब सदर, जनाब जनरल सेक्रेटरी डायनामिक लीडर हरकती खायद, जितने भी खिताबात से इनको नवाजा जाएगा बहुत कम है, क्योंकि उनकी जो डायनामिक हकीकत में डायनामिक है, हर चीज़ में वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं चाहता हूँ भाइयों ये दोनों की क़ियादत में आगे बढ़ें, इंशाल्लाह ताला जो बल्दिया के काम है, जहाँ MRO के काम है, जहाँ पुलिस स्टेशन के काम है, ये लोग अपने तरफ से अदा करने की कोशिश करेंगे। रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इंशाल्लाह 2021 के बल्दिया इंतखाबात में जो है ना यहाँ से TRS का परचम लहरेगा सुलेमान नगर डिवीजन से, इंशाल्लाह टी प्रकाश गौड़ साहब को जो है ना ये तोहफे में तौफीक भाई की तरफ से जो है ना पेश किया जाएगा, कॉरपोरेशन में हिस्सा इंशाल्लाह हमारा आपके उम्मीदवार लेने वाला है 2021 के बल्दिया इंतखाबात में, जो है सो भारी अक्षरियत से जो है ना यहाँ से परचम लहरेंगे TRS का। जय तेलंगाना। आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी यूथ जनरेशन है, जितने भी मेरे भाया हैं, मेरे साथ के जितने भी साथियाँ हैं, तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मुबारकबाद जो है ना एक रैली की शक्ल में एक बेहतरीन अंदाज में जो है ना दिए है इन्होंने, इनका शुक्रगुजार हूँ मैं इंशाल्लाह।